इस विधानसभा के अंदर किस तरह से रास्ता था और किस तरह से यहाँ पर तमाम जो गतिविधियाँ होती थी, और जिस तरह से अगर चर्चा है कि लाल किला में जिस तरह से वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ पर वहाँ से कैद किया जाता था, उसके बाद जिस तरह से दिल्ली विधानसभा जो अभी मौजूदा भवन है इसके पीछे जो फांसी भवन है तो वहाँ पर किस तरह से लाया जाता था, इसके लिए किस तरह से एक अंदर ये टनल का प्रयोग किया जाता था, तो इसी टनल को दिखाने के लिए मैं आपको हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है वो दिखा रहे हैं कि ये टनल है और ये पूरा गोल अगर घुमा जाए तो विधानसभा भवन के अंदर पूरा रास्ता जाता है और इसके साथ साथ ये रास्ता जो है पूरे इस भवन के इर्द गिर्द है। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला और दूसरा साइड हालांकि ये बंद किया गया है और इसी पास में इसी विधानसभा भवन के ठीक पास में यहाँ पर फांसी घर भी है, उसको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। दिल्ली विधानसभा से होते हुए लाल किला तक जाता है और अंदर से प्रवेश करते हुए मैं बाहर आ रहा हूँ और यहाँ पर इस अगर देखा जाए इस टनल का देखा जाए तो ये लकड़ियों को अगर देखा जाए ये लकड़ी काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 40-50 साल पुरानी ये लकड़ियाँ हैं जिसके आधार पर ये बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से टनल की बात करें, इस टनल में किस तरह से लाल किला से लेकर वहाँ से तमाम कैदियों को लेकर यहाँ तक आते थे, यहाँ पे कैदियों को लेकर आते थे और जहाँ पर फांसी भवन में किस तरह से यहाँ पर ला करके उन्हें सजा दी जाती थी देश की आज़ादी के पहले अंग्रेजों के द्वारा, उसकी ये इतिहास को यहाँ पे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। फिलहाल इस टनल को जब खोला जाएगा तो आम लोग भी आकर इस टनल का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। देश की आज़ादी के पहले जो स्वतंत्रता सेनानी जिसको गिरफ्तार किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके बाद जब कोर्ट की सुनवाई होती थी तो इसी लोकेशन पर लाया जाता था। जो मौजूदा अभी विधानसभा है इसी विधानसभा में पहले कोर्ट होता था और यहाँ पर तमाम जो कोर्ट की कार्रवाई होती थी, उसके बाद जो स्वतंत्र सेनानी को अगर फांसी दिया जाता था तो उसके बाद फांसी के स्थल पर उस टनल के माध्यम से लाया था। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो पुराना एक जो बिल्डिंग है वो देख सकते हैं, ठीक इसके ऊपर यहाँ पर इस लोकेशन पे फांसी स्थल होता था, जो फांसी जहाँ पे लगाया जाता था, जो सीढ़ियाँ जो हैं उस सीढ़ियों को अगर देखेंगे तो ये पुराना स्तंभ पुरानी स्टाइल में बना हुआ सीढ़ी और लकड़ी की सीढ़ी वो देखी जा सकती है, जिसको महसूस किया जा सकता है कि देश की आज़ादी के पहले किस तरह का फांसी स्थल होता था और किस तरह से ये लोकेशन होता था। देखा जा सकता है काफ़ी संकरी ये रास्ते जो हैं बकायदा वो यहाँ पर वो देखा जा सकता है, लकड़ी का सीढ़ी। और ये हम लोग जा रहे हैं उस स्थल पर, उस स्थान पर जहाँ पर फांसी दी जाती थी और इस लकड़ी के सीढ़ी नुमा जो लोकेशन है बकायदा यहाँ से होते हुए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पर दिल्ली सरकार इसको रिनोवेट कर रही है, यहाँ को उस बनाने का प्रयास कर रही है कि किस तरह का वो उस वक्त में स्थल रहा करता था। इन तमाम स्थल को समझने और उसको देखने के लिए और एक ऐतिहासिक स्थल बनाने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं और अगले 26 जनवरी को यहाँ पर तमाम वो तैयारियां जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। लोग यहां पर आकर के अपने छोटे छोटे बच्चों को लाकर यहां पर बकायदा इसको दिखा सकते हैं।